कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनल्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अमेजोन FBA से किस तरह आप प्रॉफिट कर सकते हैं एज ए कंप्लीट बिगिनर और क्या स्टेप्स है उसको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके ऊपर मैंने कई सारा वीडियो ऑलरेडी बनाया है, पर ये अपडेटेड वन है। तो सबसे पहले आप किस तरह अमेजोन FBA से एक्चुअली अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपके सामने मैंने एक लिस्टिंग ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज चार्जिंग केबल है, इसको 3-in-1 चार्जिंग केबल भी कह सकते हैं। तो इसका ब्रांड है वीकूल। तो वीकूल मतलब एक कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो एक मतलब एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है, मतलब थर्ड पार्टी सेलर, मेरा और आपकी जैसा एक थर्ड पार्टी सेलर ने क्रिएट किया है। तो ये प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो 369 रुपीज पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और इसका सेल्स अगर हम देख के मंथली सेल्स लास्ट 30 डेज का सेल्स 1395 सेल्स है, मतलब काफी ज्यादा है। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है। और इसका अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो 369 प्राइस पे सेल्स 1395 और रिव्यूज भी काफी कम है 265 और रेवेन्यू 5,14,755 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये सेम प्रोडक्ट अगर हम अलीबाबा पर चेक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3-in-1 चार्जिंग केबल टाइप किया है। तो कई सारा मतलब सेलर्स $1.3 से $1.5 तो $0.73, तो यहाँ प्राइसिंग आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्राइसिंग के हिसाब से इंक्लूडिंग अगर इसको सर्टिफिकेशन चाहिए और शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 30% से भी ज्यादा है। तो मैं आपको एक बार प्रॉफिटेबिलिटी इसका दिखा देता हूं। तो जो इसका सेल्स है और किस प्राइस पे ये सेल होता है तो उसको कंसिडर करते हुए तो इसका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 30% है। तो इस तरह एक्चुअली ये प्रोडक्ट मतलब ये पर्टिकुलर सेलर तो इस प्रोडक्ट से वो प्रॉफिट करता है। तो ये अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग है दोस्तों। तो मतलब तो हम एज ए थर्ड पार्टी सेलर हमारा प्रोडक्ट जो है तो उसको हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, उसको हम एक ब्रांडिंग रख सकते हैं। और इनिशियली आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है, आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट अच्छा सेल होता जाएगा तो उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि और कोई सेलर आपका लोगो और आपका ब्रांड नेम ना कॉपी ना कर सके। तो यहां से हम मैन्युफैक्चरर को सोर्स कर सकते हैं। और उसके साथ और एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूं। यहां आप देख सकते हैं 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स है। तो ये प्रोडक्ट 742 रुपीज पे सेल हो रहा है और इसका रेटिंग आप देख सकते हैं 45 रेटिंग से। इसका मतलब ये नया सेलर है, कंप्लीटली नया सेलर है ये जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसका रेवेन्यू हम चेक कर सकते हैं एक बार। तो 265 सेल्स है लास्ट 30 डेज का, मतलब मंथली सेल्स समेर अराउंड 250-300 सेल्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और इसका रेवेन्यू 1,96,630 रुपीज है। तो सेम प्रोडक्ट अगर हम एक बार अलीबाबा पर चेक करते हैं तो मैंने यहाँ 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स टाइप किया है। तो आप नोटिस कर सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ये क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो हमको किस तरह चाहिए अगर हम उनको बताते हैं तो वो हमको करके देते हैं। कोई डिजाइन में चेंजेस हुआ हो या हमारा लोगो लगाने में हुआ हो या कलर चेंजेस में हुआ हो तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट लेबलिंग में हमको करना ही चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं $2.32-$2.6 है तो इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का। और नेगोशिएशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, फिर भी सब कुछ चार्जेस शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के तो ये पर्टिकुलर प्रॉफिट का मार्जिन भी मोर देन 30% है। तो इस तरह ये पर्टिकुलर सेलर जो थर्ड पार्टी सेलर है मेरा और आपकी तरह, तो ये प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कर रहा है। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग का, तो किस तरह हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली पिछले 4 साल से अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग कर रहा हूँ। तो मेरा यूट्यूब भी आपने देखा होगा, कई सारा वीडियोस में अमेजोन FBA के रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड मैं डालता रहूंगा। तो अभी मैं एग्जैक्ट स्टेप्स में आपको ब्रेक डाउन करता हूँ क्या अलग अलग स्टेप्स है अमेजोन FBA करने के लिए। तो दोस्तों, पहला स्टेप है आपको एक फर्म क्रिएट करना है। तो मतलब दो तरीके से आप कर सकते हैं इंडिया में। तो आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने सुना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप, और उसी के साथ कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड आता है और LLP आता है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और उसी के साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आता है और OPC जो है 1% कंपनी। तो ये सब कुछ कंपनी में आता है। तो कंपनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कंपनी फॉर्म करने के लिए, और अमेजोन FBA करने के लिए आपको कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया था,
पर अभी क्योंकि मेरा प्रोडक्ट लाइन ज्यादा है और रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है अमेजोन एफ बी ए बिजनेस पर, तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया है। तो आप एज ए बिगिनर अगर आप अमेजोन एफ बी ए स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है उसको लेकर आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड रहना चाहिए और उसी के साथ एड्रेस प्रूफ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और यदि रेंट अग्रीमेंट या एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और उसी के साथ आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड चाहिए, तो उससे आप आसानी से जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस मैं एक्चुअली बता रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेट करके और फोकस करके मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बनाया है मेरे चैनल पर, तो आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हैं, ईकॉम ज्ञान है। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मैंने प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर रखा है अमेजोन एफ बी ए के रिलेटेड, जहां पर अमेजोन एफ बी ए का अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया है और माइंडसेट के रिलेटेड। तो यहां मैंने जीएसटी इंपोर्ट एंड कंपनी लॉस जो भी लीगल एंड टैक्सेशन पार्ट रहता है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ मैंने यहां प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ जो भी मेरा वीडियोस है यूट्यूब पर तो उसका डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मेरा फ्री वर्कशॉप मिल जाएगा, तो उसमें मैंने फ्री वर्कशॉप में मतलब मैंने एक फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा, तो उसमें मैंने कंप्लीट जो भी प्रोसेस है उसको एग्जैक्ट ब्रेक डाउन करके मेरे बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा सारा रिसोर्सेस आपको मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जीएसटी नंबर मतलब मैंडेटरी है अमेजोन एफ बी ए प्राइवेट लेबलिंग करने के लिए। तो विदाउट जीएसटी आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स हुआ हो या कुछ आर्टिफैक्ट्स हुआ हो। तो अगर आपको बिजनेस में सही तरीके से स्केल करना है, आपको इनकम गोल्स रीच करना है, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है, तो इसीलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सुन के मतलब कई सारा लोग मतलब डर जाते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है कंप्लीट ऑनलाइन है दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन ही कर दिया है। तो जो भी उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ हो, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस हुआ हो, तो मैंने एक्चुअली जैसा मैंने पहले कहा मेरा प्लेलिस्ट में भी मैंने दिखाया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको सेलर अकाउंट ओपन करना है, sellercentral.amazon.in है, तो वहां से आप आपकी सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके बाद रहता है जो प्रोडक्ट रिसर्च है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है जो हाई डिमांड और लो कॉम्पिटिशन है। और आपका मेन गोल जब आप अमेजोन एफ बी ए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक मतलब असेट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं अमेजोन पर, क्योंकि अमेजोन खुद एक सर्च इंजिन प्लेटफॉर्म है, तो गूगल और यूट्यूब के बाद अमेजोन ही आता है, तो ज़्यादा पेमेंट्स अगर हम कंसिडर करें तो अमेजोन नंबर वन प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा पेमेंट प्रोसेस होता है उस प्लेटफॉर्म पर। तो इसीलिए मतलब अमेजोन पर जब आप कोई एक प्रोडक्ट उसके मेन कीवर्ड पे रैंक करते हैं, जब वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और समेर अराउंड 15 रिव्यूज वो प्रोडक्ट क्रॉस करता है, तो अमेजोन भी आपके प्रोडक्ट के ख्याल रखते हैं, क्योंकि अमेजोन को भी आपके प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वो भी आपके प्रोडक्ट के ख्याल रखते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका असेट बन जाता है। तो आपका काम उस प्रोडक्ट पे सिर्फ रीस्टॉक करना रहता है। सपोज उस प्रोडक्ट के लिए 300 सेल्स आ रहा है, तो अगर आप 1000-2000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो 3-6 मंथ्स तक उस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट आता रहेगा। तो और जब वो स्टॉक खत्म होने को आता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रीस्टॉक सही तरीके से सही टाइम पर कर रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस में अगर मैं कहूँ तो जो मैं प्रोडक्ट 2018 में सेल कर रहा था, तो उसका प्रोडक्ट मतलब समवेयर अराउंड 100-150 सेल आ रहा था पर मंथ के लिए। तो सेम प्रोडक्ट मैंने 2 बार पैकेजिंग चेंज किया है और एक 6-8 टाइम्स मैंने लिस्टिंग में कुछ चेंजेस किया है, ऑप्टिमाइज किया है। तो मैं बस उस प्रोडक्ट को रीस्टॉक कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मुझे पैसिव इनकम आ रहा है। और अभी 2022 में क्योंकि ई कॉमर्स एक मेगा ट्रेंड है, हर साल इंटरनेट यूजर्स ग्रो होते हैं और उसी के साथ ई कॉमर्स भी ग्रो होता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल 500 से भी ज़्यादा हो चुका है पर मंथ के लिए। तो ऐसा है जब आप मतलब अमेजोन एफ बी ए पर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने की सोचते हैं, तो आपको ऐसा सोचना है कि आप एक असेट क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट में। और प्रोडक्ट रिसर्च होने के बाद आपको प्रोडक्ट के लिए सही मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, तो आपको हमेशा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करना है, जितना हो सके उतना मिडलमैन को अवॉइड करना है। तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, टिपिकल जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रहता है उसका मैन्युफैक्चरर चाइना में रहते हैं। आपको कई सारा मतलब लोकली अगर आप ढूंढते हैं इंडिया में, आपको कई सारा सप्लायर्स मिल जाएंगे, तो उनसे अगर आप लेते हैं तो आपको सबसे पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ क्या है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट पे लोगो लगाना हुआ हो या
कलर चेंजेस करना हुआ हो, वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्राइवेट लेबलिंग ही मतलब नाम से ही है, तो आप प्राइवेट मतलब लेबल कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपका लोगो लगा रहे हैं, तो इसीलिए आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करना है। तो सोर्सिंग के बाद तो एक्चुअली जब आपके प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है और मैन्युफैक्चरर फाइनलाइज होता है, तो आपके अमेजोन के सेलर सेंट्रल में आपको लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ता है। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आप ऑब्वियसली आपके मैन्युफैक्चरर को यूजुअल प्रैक्टिस यही रहता है कि आप 30% पेमेंट करेंगे तो आपके मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो 2 to 3 weeks के बाद जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो शिपमेंट से पहले रिमेनिंग 70% आप पे करेंगे आपके मैन्युफैक्चरर को। तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट आएगा तो आप शिपिंग प्लान आपको क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली उस बीच में जो प्रोडक्शन टाइम रहता है उस बीच में आपका लिस्टिंग आप रेडी कर सकते हैं। तो लिस्टिंग रेडी करने के बाद आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आपका अमेजोन FBA वेयरहाउस उसको सेंड करना है। तो अमेजोन FBA वेयरहाउस में आपको पता ही होगा तो आपके प्रोडक्ट वहाँ स्टोर होता है और जो आपका लिस्टिंग है तो वो अमेजोन पर रहता है। जब नया प्रोडक्ट रहता है तो जब वो नया लिस्टिंग रहता है, नया प्रोडक्ट रहता है, ऑब्वियसली उसका जो मेन कीवर्ड्स पे वो लास्ट पेज पे रहेगा, तो आपको फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है, रैंक करना पड़ता है। तो इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। कई सारा लोग मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उनको पता नहीं क्यों उनको सेल नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली उनका प्रोडक्ट उनको रैंक करना पड़ता है सही तरीके से उसके मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में। तो उसके लिए कई सारा स्ट्रैटेजीज है। आप अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमेजोन PPC है। तो मेरा लेटेस्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था अमेजोन PPC के बारे में और उसका ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा आपको सेल्स जनरेट होगा तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन में। तो ये प्रोसेस रहा दोस्तों अमेजोन FBA का। तो उम्मीद करता हूँ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो मेरा चैनल आप चेक कर सकते हैं ईकॉम ज्ञान, जैसा मैंने पहले कहा। तो मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है और उसी के साथ मेरा फ्री अमेजोन FBA जो वर्कशॉप मैंने क्रिएट किया है उसको भी अटेंड कीजिए, तो वहां से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहे मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं शेयर करता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।